अपनी बातें नहीं जानता यार। मैं सुबह कर रहा था तो आप क्यों कर रही थी? बेबा तो कर रही थी। नहीं मैं सुबह जब कर रहा था तो क्यों मना किया? इसलिए मना किया कि गेट बार बार दो मिनट के लिए चलता नहीं। नहीं दो मिनट के लिए ऐसे गेट नहीं चलाया जाता। हाँ ठीक है बंद करो, तो मैं नहीं कर रहा। स्वागत है। और आज मेरा गला थोड़ा सही हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जुकाम भी कम है, पर हम आज लास्ट और दवाई खाएंगे इसकी, पैरासीटामोल और वो जो भी हम कल लेकर आए थे, और कल से ऑलमोस्ट बंद कर देंगे, ऑलमोस्ट क्या पूरा बंद ही कर देंगे। और अभी सुबह के 10:30 या 11 बज चुके हैं। मैं 10 बजे सो के उठा था, आधा घंटा मैंने रील स्क्रॉल करी, फिर मुझे याद आया हाँ मुझे ब्लॉग भी करना था, फिर भाई ने ब्लॉग करना चालू कर दिया एकदम से। तो गाइस मैं पहले ट्रिमर से शेविंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगा। मेरा ट्रिमर इधर ही कहीं पड़ा था, ट्रिमर ये रहा, ऐसे कोने में छुपा छुपा के पड़ा हुआ होता है अंधेरे में। होप सो इसमें इतनी बैटरी हो गई मेरी शेविंग झेल ले, करके देखते हैं, नहीं हुई तो चार्ज मिला के कर लेंगे। दोनों तरफ से वर्क करता है, चार्जिंग पे भी बिना चार्जिंग के भी। तो गाइस भाई 1 घंटे बाद नहा धो के आ चुका है, एकदम फ्रेश फील कर रहा है, मैंने दाढ़ी वाड़ी भी काट ली है। मैं ज़रा चल के देख लेता हूँ कि पोहा कितनी देर में बनेगा। और हमारा नमन भी नहा धो के आ चुका है, पर इसके बाल थोड़े अजीब से लग रहे हैं खड़े खड़े से। मम्मी ने पोहा और सब कुछ निकाल लिया है जो जो भी डालने के लिए ज़रूरी होता है, पता नहीं बनने कब रखेंगी। मैं और नमन पहले मंदिर हो जाते हैं। नमन फटाफट चल, पहले मंदिर हो जा, उसके बाद आराम से बैठेंगे। जल्दी चल, तो थोड़ा ऐसा ढीला सा हो गया है। और ये वाला कमरा भी मम्मी ने समेट दिया है, बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लैपटॉप हमेशा उस कोने पड़ा रहता है। कल मैंने बिग बॉस के एल्विश वाले 2 एपिसोड देख लिए, उससे पहले का मैंने खाली 1 एपिसोड देखा हुआ है जिसमें सुपरस्टार पुनीत था, जो कि सबसे ज़्यादा वायरल एपिसोड था। अब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वायरल वो वाले होंगे जिनमें एल्विश है। मैं सिर्फ वहीं तक देखता हूँ जहाँ पे एल्विश होता है, उसके बाद जैसे पूजा भट्ट और ये सब आ गए तो इन सबको देखने में ऐसा मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत बोरिंग और अजीब से लोग हैं, मुझे नहीं पसंद है। अपना ट्रिमर चार्ज पे लगा दूँ, 3-4 शेवों से चार्ज पे ही लगाया, लेकिन नमन का फ़ोन चार्ज हो रहा है, पहले इसका फ़ोन चार्ज हो ले फिर मैं अपना ट्रिमर आराम से चार्ज पे लगा दूँगा। अब मौसम होने लग गया है बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा, अब बारिशें और आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। सब सही है, सुबह सुबह के टाइम वैसे ही पुलिस वुलिस भी नहीं होती है, तो कई लोग बिना हेलमेट के निकलते हैं, वो भी निकल सकते हैं। गाइस भाई घर पे आ चुका है और पोहे बन बना के रेडी हो गए हैं, लेकिन गैस तो चल रही है, जल तो नहीं गई है। ठीक है फिर जल्दी निकालो और जल्दी से डाल के दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं कल रात का खाना खाया हुआ, उन जरा से मोमोज बताऊँ, मोमोज खा के इंसान पूरी रात काट लेता है, मेरी रात काट के सवेरा हो गया। क्या बना था घर में? आलू की सब्जी थी, या तो कुछ सैंडविच बना थी तो हम खा लेते, लेकिन आपने बनाया भी तो क्या, आलू की सब्जी की सैंडविच रोटी। होम रोटी इज लाइक बोरिंग यू नो, हम चार किस्म रोटी खा सकते हैं तो ये क्या है? रोटी खा सकते हैं तो फिर ये क्या है? मैंने पोहे किस्म कौन रोटी खाता है? नहीं तो ठीक है ना, मैं ये तो चलो शांत हो जाओ, दिमाग का जरा जरा सी बातों पे हमारा लड़का नमन ऑफेंड होना सीख गया, पता नहीं क्या होगा इसका आगे जाके। ह्यूमैनिटी की बातें करेंगे, ह्यूमैनिटी की बातें, उसके बाद वही लोग पत्थर मारेंगे शाम को जाकर। मुझे नमन के पीछे एक आंटी डंडा लेके आ गई थी जब मुझे नहीं पता कब आई थी, कौन क्या हुआ क्या हुआ था, वो ऐसा था पिल्ले यहाँ घूमते थे, हाँ तो वो अपने आप ही वहाँ चले गए होंगे। हाँ तो तेरे गले में आवाज नहीं है, तो मेरे पीछे वो पड़ गई कि ऐसा है कि तुम खाना वाना डालते हो, खाना मत डालो ये वो। मैं मेरे मन में कहने का, देखो आपकी औकात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं करे। ये तो येलो कलर की नहीं है, येलो कलर की कोई बात नहीं है, बारिश की तरफ बारिश की वजह से ना ऐसे बड़ी सील गई है। फिर क्या फायदा यार, मैं तो येलो कलर की फूल नहीं खाई है आज तक आपके घर भी और बाहर। अरे कलर से मतलब नहीं है बेटा, वो प्रॉपर फूल ही नहीं है, वैसी हो रही है। बेकार है फिर ये, खराब है नहीं कह सकते, खराब भी नहीं कह सकते, बारिश की वजह से वैसी हो रही है वो। मैं इतनी बातें नहीं जानता यार, मैं सुबह कर रहा था तो आप क्यों कर रही थी? बेबा तो कर रही थी। नहीं मैं सुबह जब कर रहा था तो क्यों मना किया? इसलिए मना किया कि गेट बार बार दो मिनट के लिए चलता नहीं। नहीं दो मिनट के लिए ऐसे गेट नहीं चलाया जाता। हाँ ठीक है बंद करो, तो मैं नहीं कर रहा, मैंने मना कर दिया। बार बार कर लो, बार बार करो, अरे इतने मिलने और क्या, मिलने नहीं हो तो और कौन हो तुम? तो गाइस शाम के 5:45 बज चुके हैं और मैं देख रहा हूँ मम्मी ने सफाई वफाई कर दी है। मैं अभी अभी सो के उठा था, मैं अभी 2 घंटे पहले सो गया था, 3 बजे की अपनी शिफ्ट ख़त्म करके मैं घर पे आ गया था, मतलब घर के अंदर आ गया था, और ऐसे मम्मी सफाई वफाई कर रही हैं। मैं देखता हूँ कि ऐसे किचन में क्या सा बन रहा है खाने के लिए, क्योंकि अब भूख लग रही है। मैंने सुबह का खाया हुआ जो भी खाया हुआ है
अब तो याद भी नहीं आ रहा सुबह क्या खाया था। मम्मी मैंने आज सुबह क्या खाया था? तो गाइस वो जो पार्ले जी शुरू हो गए हैं, अब अभी पता लगेगा हमारे पार्ले जी के बिस्कुट कहाँ हैं। मम्मी ढूंढ रही हैं, इसी में ही होने चाहिए, है या नहीं है वो भी पता लग जाएगा एक मिनट के अंदर अंदर। हकल मंगाए थे लेकिन इधर ऐसे नीचे दबे होते तो टूट टाट नहीं जाते, तो इधर तो होने के कोई चांसेस ही नहीं है, उधर देखा जा सकता है, हो सकता है उधर हो, तो ऐसे उपाय सी बना रखी है इसके नीचे। लोग क्या होशियार है, लाओ इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मेरी माँ ने मुझे पार्ले जी के पैकेट ढूंढ के दे ही दिए। अब भाई से खाएगा और यूनाइटेड के गुण गाएगा। और पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता है कमरे की पत्ती क्यों बंद कर देते हैं। गाइस देखो शाम होते ही कतई पुलिस तैनात हो गई है, चालान कट के ही रहेगा, लेकिन मेरे सामने तो बिना हेलमेट के भी लोग जा रहे हैं बिना चालान कटवाए हुए। बेटा आप तो देख गया, आप तो देख गया, तू माँ से मारपीट कर रहा है। अब मारपीट कर उधर कर रहा हूँ, अरे जान के ना ड्रामा होता है, मुझे ऐसे हो गया, हाय मुझे ऐसे हो गया, जान के ड्रामा करती लोगों की सिंपैथी ना। आगे महिला मोर्चा बुलवाएंगी ना नारी मंडली, ये तो हेड बनेगी नारी मंडली की। मम्मी देख लो मैं तो इसे एक्सपोज कर दिया, ये आपको तंग करता है आपको छेड़ता है मैंने बता दिया, और अब ये मार दिया आपको मारते हुए भी आ गया क्या इधर, बस नहीं इधर पड़ा हुआ था, ये रहा ये रहा ये इधर पड़ा हुआ है, ये रहा इधर पड़ा हुआ है। नॉन शेव कर रहा है मेरे ट्रिमर से, बाद में चार्ज भी नहीं करेगा कुछ नहीं है। तू कौन सा आगे से नंगा आ रहा है, तू प्रॉपर ओ पेट दिख गया, पेट दिख गया, पीठ दिख गई, पीठ दिख गई, नंगा दिख रहा है नमन। गाइस हमने नमन का एक्सपोज कर दिया, प्लीज प्लीज बेटा ये मुझे पता भी नहीं वाली बात ऐसे करती, तू ये बता भी तभी सही नहीं है। हां देखो फिर चालू हो गया है ट्रिमर लेके, अब दो मिनट में होती है ट्रिमिंग, एक घंटे में नहीं होती, तू लेके बैठ गया जैसे तू से। जो जुकाम वगैरह होता है गर्मी का होती है उसमें दही देता है कोई? लेकिन मैं दही दे रही हूं दवाई के चक्कर में, अब इस टाइम कोल्ड कॉफी नहीं पीनी, अब कल का दिन क्या मम्मी, अब बेटा तू जा यहां से, हम तेरे नहीं कर पाएंगे। आपने ना मम्मी यार दिमाग का दही कर, हम दिमाग का दही कर बहुत ज्यादा बदतमीजी है, सेवा करते रहे हम, सेवा करते रहे, देखिए तुम्हारी कौन सेवा करता है मेरे अलावा। गाइस गया तो भाई से सॉस लेने था, लेकिन संग में थोड़ी बहुत चीज़ें और वो उठा लाया है, रात का टाइम हो गया, अभी तो बोट जलता रहेगा 11-12 बजे तक, फिर बंद करेंगे। मस्त लेस का पैकेट और खूब सारी सॉस, आप काटो अपने हाथ से शुभ हाथों से और हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मॉम देखो मैं क्या लाया हूँ अपने लिए, इन्हें लेज कहते हैं लेज। गाइस आज खाने में है सैंडविचेस और सॉस, दो सैंडविच सॉस और एक लेस का पैकेट, अब भाई से खाएगा और यूनाइटेड के गुण गाएगा। गाइस कुछ लड़के पागल हो गए थे यहाँ से चिल्लाते हुए जा रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अब देखा तो ऐसे रैंडमली गली बॉयज हैं। गली बॉयज से सावधान रहने का, अरे गली बॉयज से, गली बॉयज मतलब कुछ नहीं करते, ओहो तुम भी खाना खा रहे हो, हम भी खाना खा रहे हैं, चलो साथ में खाना खा लेते हैं।